नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और मैं स्वागत करता हूं आपका किंग इन किचन में। आज मैं आपके लिए एक फ्यूजन रेसिपी लेके आया हूं। तो इट्स अ फ्यूजन बिटवीन साउथ इंडियन डिश एंड चाइनीज़ डिश। तो मैं आपके लिए बना रहा हूं आज चिली इडली। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 15 इडली, फिर हमें चाहिए कैप्सिकम एक लार्ज डाइस किया हुआ, एक लार्ज अनियन इसे भी मैंने लंबा काट लिया है, सॉल्ट, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हरी मिर्च, लहसुन बारीकी से कटे हुए, अदरक बारीकी से कटे हुए, फिर हमें चाहिए सोया सॉस, रेड चिली सॉस और टोमेटो सॉस। सबसे पहले हम इडली को 4 इक्वल पीस में काट लेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे लेफ्ट ओवर इडली यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने कल बना के रखा था, क्योंकि हमें इडली बहुत ही हार्ड चाहिए। अगर आप आज ही बनाएंगे इडली और उसे यूज़ करेंगे तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप इसे पहले फ्रिज में अच्छा से ठंडा कर लीजिए। अगर आपका इडली सॉफ्ट हुआ तो फिर जो फाइनल जो इडली चिली इडली बनेगा वो बहुत ही सॉगी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इडली सभी इडलियों को इक्वल पार्ट्स में काट लिया है। अब हमें इन इडली पीसेस को ग्रिल कर लेना है। तो ग्रिल करने के लिए हम लेंगे एक तवा, उसे अच्छी तरह गर्म कर लेंगे और एक ऑयल ब्रश की मदद से ऑयल अप्लाई करेंगे। तवा जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो हम इडली के पीसेस को इसके ऊपर रख के अच्छी तरह ग्रिल कर लेंगे। तो यहाँ दो बैचेस में ग्रिल करना पड़ेगा क्योंकि पीसेस बहुत ज़्यादा हैं। हम एक ऑयल ब्रश के मदद से इडली के ऊपर हल्का सा ऑयल अप्लाई कर लेंगे। अब हम इसे पलट के इसे दूसरी तरफ भी अच्छी तरह ग्रिल कर लेंगे। तो मैं यहाँ एक दो फोक की मदद से इसे पलट रहा हूँ। आप चाहिए तो फोक या स्पैटुला की मदद से भी इसे कर सकते हैं। अब इसे बीच बीच में इसका फ्लिप करते रहिएगा ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह ग्रिल हो जाए। आप देख सकते हैं कि इसका कलर एकदम डार्क ब्राउन हो गया है, इसका मतलब ये अच्छी तरह ग्रिल हो गया है। आप चाहे तो इसे ऑयल में फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा हेल्दी प्रेफर करता हूँ इसलिए मैं इसे ग्रिल कर रहा हूँ और बहुत ही कम ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं दूसरा बैच भी इसी तरह ग्रिल कर लूँगा। यहाँ पर भी मैं सेम प्रोसेस फॉलो करूँगा जिसे हमने पहले बैच को ग्रिल किया था, उसी तरह हम दूसरा बैच को भी ग्रिल कर लेंगे। तो दूसरा बैच भी अच्छी तरह ग्रिल हो गया है, हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमें एक बड़ा सा कढ़ाई लेना है, इसमें हम 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे चॉप किया हुआ गार्लिक यानी कि लहसुन, फिर अदरक, फिर हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च। अब हम इसे अच्छी तरह सॉटे कर लेंगे। तो हम तब तक सॉटे करेंगे जब तक गार्लिक का रंग ब्राउन ना हो जाए। फिर इस स्टेज में हम ऐड करेंगे ओनियन पीसेस, फिर हम डालेंगे कैप्सिकम जो हमने डाइस करके रखा हुआ था। तो हमें हाई फ्लेम में अराउंड 2-3 मिनट तक सॉटे करना है। इसे हमें अच्छी तरह पकाना नहीं क्योंकि हमें बहुत ही क्रिस्पी चाहिए, इसलिए हाई फ्लेम में सॉटे करेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। तो सॉल्ट ऐड करते वक्त ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आप ज़्यादा सॉल्ट ना डालें, क्योंकि इडली में और सोया सॉस में पहले ही नमक होता है। फिर हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, यहाँ मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ ताकि अच्छा रंग आ जाए। अब हम इसे अच्छी तरह स्टिर करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें सॉसेस। तो पहले हम डालेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। तो दोस्तों, मैं जो यहाँ सॉसेस यूज़ कर रहा हूँ, आपको कोई भी सुपरमार्केट में ये सब आसानी से मिल जाएंगे। फिर मैं डालूँगा 1 टेबलस्पून सोया सॉस, फिर 3 टेबलस्पून टोमेटो सॉस या टोमेटो केचप भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सॉसेस मैंने पूरा डाल दिया है, अब हमें इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है।
मिक्स इट नाइसली। फिर इसमें ऐड करेंगे ग्रिल किया हुआ इडली पीसेस। तो 15 इडली से आप 4 लोग आसानी से सर्व कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह फ्लिप कर लेंगे ताकि इडली पीसेस में सॉसेस अच्छी तरह पकड़ लें। तो दोस्तों हमारा चिली इडली रेडी हो गया है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।